सिर पर टोपी तो गले में गमछा पहन किया कलश पूजन, माथे पर तिलक लगा एक्स बीवी संग ऑफिस में की आरती। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भला बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा क्यों की है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल आमिर खान ने हाल ही में अपने ऑफिस आमिर खान प्रोडक्शंस में हिंदू रीति रिवाज से पूजा कर कलश स्थापना की है। इस खास मौके पर उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी उनके साथ नजर आई। आमिर के ऑफिस में हुई इस पूजा की इन तस्वीरों को लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आमिर सफेद बाल, दाढ़ी और मूछ में नजर आ रहे हैं। जहां इस पूजा को करते हुए आमिर ने एक नेहरू टोपी लगाई है, उनके गले में एक गमछा भी है, माथे पर तिलक भी लगा दिख रहा है। स्वेट शर्ट और डेनिम पहने आमिर ने पूजा के दौरान अपने सर पर कलश रखा। जमीन पर बैठकर वो भक्ति में लीन दिखे, तो हाथ जोड़कर उन्होंने एक्स बीवी संग आरती में भी हिस्सा लिया। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो तुरंत ये इंटरनेट पर वायरल होने लगी। वहीं अद्वैत चंदन ने अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिस में ये पूजा किस वजह से रखी गई, लेकिन इन तस्वीरों से सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग आमिर के इस ऑल ग्रे लुक को देखकर उन्हें ट्रोल करने से भी बाज नहीं आए। एक यूजर ने आमिर के इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा, एड मिलना बंद हो गया, फिल्में पिटनी शुरू हो गई, तो फिर हिंदू बनने का नाटक शुरू कर दिया, आमिर खान के झांसे में मत।